Welcome to Romeo Study Zone. Hello dear students, good morning. Wish you very good morning from the depth of my heart to all my dear viewers, dear students who are watching this video. And today हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक्स की तरह, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हमने फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस इंक्लूड की थी। उसके बाद हमने डील किया था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस प्रोडक्ट के, रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट के लिए होती है, जबकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट के लिए होती है। वहीं पर अगर आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर अपीयरेंस पर मोल के लिए डिफाइन होता है, तो वो उसका क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो सिंपल मैंने लिख भी रखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर आरओडी आरओए इज डिफाइंड फॉर ओनली वन मोल, उसे ही क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, जो आप रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, एक बार थोड़ा सा देख लूँ मैं कि आपको विजिबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यस, करेक्ट, विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, जैसे N1A plus के N2B reaction gives N3C plus के N4D, ये आपका क्या है, एक equation है। इसके लिए differential rate expression किस टाइप से लिखेंगे, हाँ ये आपका क्या बन जाएगा, इसका overall rate of reaction क्या बन जाएगा भाई, overall rate of reaction जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं हम, differential rate expression बोलते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बस थोड़ा सा आप ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिकली आपसे खुद बे खुद बन जाएगा, तो जस्ट ट्राई नाउ। हमारे पास एक रिएक्शन है 4N3 गैस प्लस के 5O2 गैस, 4NO गैस प्लस के 6H2 गैस में ये क्या दे रहा हमें, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। आपको और डाटा दिया गया है कि कॉन्सेंट्रेशन NH3 की चेंजेस हो जाती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर से 0.02 मोलर बन जाती है 3 मिनट के अंदर, ठीक है। जाहिर सी बात है ये रिएक्टेंट है NH3, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो 0.2 मोलर से 0.02 मोलर जा रही है, तो आपका डिक्रीज हो रहा है 3 मिनट में। अब आपको कैलकुलेट करना, पहला रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NH3 को, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 को, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O को। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, तो पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं समझाऊंगा। तो आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ पर आपके पास पूछा गया है, पहला पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NH3। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NH3 हमसे पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है हमें ये पता होना चाहिए कि इसका रेट कितना है, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम इस कंप्लीट के लिए बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं इसको डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन में डिफाइन करने जाऊं, तो -K1/4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 / dt, ये NH3 का हो जाएगा, इज इक्वल करके हम 1/5, वो भी -K1/5 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2/dt इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद में आपको 4NO, यहाँ पर 4NO है, तो +K1/4 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO/dt। उसके बाद 1/6 +K1/6 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O/dt। ये हमारे पास डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन हो गया। अब हमसे पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शन, तो जाहिर सी बात है ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखा। पॉइंट में क्या पूछा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है मेरे को NH3 की, क्या बतानी है, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, -K D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3/dt, ये क्या होता है, ये होता है ROD। और ROD कैसे निकालेंगे हम बताओ, हमारा C2 - C1 क्या होता है, C2 - C1, C2 कौन है यहाँ पर, 0.02 मोलर, और ये 0.2 क्या है आपका, C1 है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, माइनस का साइन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 वो कितनी है, 0.02
2 माइनस के 0.2, ठीक है, अपॉन के टाइम टेकन कितना है 3 मिनट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.18 मोल पर मिनट, मोल पर मिनट, ना कि सेकंड, क्योंकि यहाँ पे टाइम किसके अंदर दिया गया है, मिनट के अंदर दिया गया है। ये आपका आर ओ डी आया है, क्या आया भाई यहाँ पे, आर ओ डी आया है, ठीक है। अगर ये आपके पास आर ओ डी आया है तो जाहिर सी बात है, सॉरी यहाँ पे डिवाइड के 3 और करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 0.06 आ जाएगा, 0.06। ये क्या आ चुका है यहाँ पर, इसका आर ओ डी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आगे पूछा है कि रेट ऑफ फ्रिक्शन, तो रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 1/4 कर देंगे यहाँ पर। जैसे ही हम यहाँ पे इसे 4 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, क्योंकि यहाँ पर ये 0.06 है, डिवाइड बाय 1/4 करेंगे तो 1/4 इंटू के 0.06, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे इसे तो कितना आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका, को एक सेकेंड, 0.015 मोल पर मिनट। ये इसका क्या रहा है यहाँ पे, हाँ ये क्या रहा है यहाँ पर, इसका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NH3, ठीक है। ये हमारे पास पहला जो पूछा था रेट ऑफ रिएक्शन वो कितना आया है, 0.015 मोल पर मिनट इसका रेट ऑफ रिएक्शन आया है NH3 का। उसके बाद है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2। अब आप जानते हैं अगर मेरे को ये पता है माइनस के 1/4 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, सभी की कॉन्सेंट्रेशन और डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन में आप इक्वल मान के चलते हैं, DT इज इक्वल टू माइनस के 1/5 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय TT। अब मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, बताओ ये जो वैल्यू है ये तो मैंने अभी कैलकुलेट की थी, और है क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन, और था कितना ये 0.015, था ना, बिल्कुल 0.015 था। उसके बाद यहाँ पर मेरे को निकालना क्या है, मेरे को यही तो निकालना माइनस के डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय DT, है क्या चीज़ ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2। अगर सिंगल जो आपका ये 5 है, सिंपल ये आपका ऊपर चला जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो क्या बन जाएगा, माइनस के डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय DT इज इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पे 0.075 मोल पर मिनट, मोल पर मिनट। ये यहाँ पे इसका क्या आ चुका है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। उसके बाद थर्ड पॉइंट और है, थर्ड पॉइंट क्या पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O। तो रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है अकॉर्डिंग टू मी, मैं देखो माइनस के 1/4 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाय DT इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, इज इक्वल टू किसको मान के चलेंगे बताओ, प्लस के 1/6 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइड बाय DT। अब मेरे से पूछा क्या इसने, मेरे से पूछा ये, मेरे से पूछा इसने डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, सॉरी ऊपर इधर की साइड लिख देते हैं, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पर मेरे से पूछा है डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइड बाई DT इज इक्वल टू, ये वैल्यू तो मेरे को पता है, और ये वैल्यू कितनी थी 0.015 इंटू के हम क्या करेंगे 6 कर देंगे, 6 करने के बाद में हमारा 0.090 ये क्या आ गया यहाँ पर मोल पर मिनट, इसका ROA आ गया, रेट ऑफ अपीयरेंस आ चुका है, किसका किसका आ चुका है यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस इसी का। तो बेसिकली क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको रेट डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग पता है कि सभी की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इक्वल होती है। अगर आप किसी एक का चेंज पता है आपको, जैसे यहाँ पर चेंज पता था आपको, तो 0.2 मोलर से कहाँ तक जा रहा था, 0.02 मोलर जा रहा था, तो यहाँ पर मैंने इससे इस प्रकार से डील कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन है हमारा इसी से रिलेटेड,
ये तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन थी किसकी, लिक्विड की। अब हम डील कर रहे हैं गैसियस से। देखो अभी तक हमने अपने रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी गैसियस सब्सटेंस के लिए नहीं ली है। अगर आपको गैसियस सब्सटेंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करनी है, रेट ऑफ रिएक्शन से डील करना है, तो जाहिर सी बात है आपको प्रेशर से भी डील करना ज़रूर होगा। तो यहाँ पर अब हम सीख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर गैसियस सब्सटेंसेस। गैसियस सब्सटेंसेस के लिए किस टाइप से आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन होती है, अब इस चीज़ को हम डील करने वाले हैं। जाहिर सी बात है अगर आपको गैसियस सब्सटेंस से डील करना है तो आपको अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन जाना पड़ेगा। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, P इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से अगर मैं P इज इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी करूँ तो यहाँ पे आपका बन जाता है P इज इक्वल टू सी आर टी, बिकॉज हमें पता होता है, सॉरी P इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी, और मोलरिटी अगर मेरे को पता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मेरे को n बोले तो मोल्स अपॉन के वॉल्यूम भी मेरे को पता होगा। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू सी आर टी आया है। क्या आया है, सी आर टी आया। अब जाहिर सी बात है किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर मेरी इक्वेशन है 2a प्लस के 3b, रिएक्शन गिव्स 4c प्लस के 5d, ये मेरी इक्वेशन है, एक रिएक्शन है, और इसमें आपको गैसियस सब्सटेंसेस हैं सभी, इन सभी का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ मेरे को डील करना है। तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूँगा, मैं वही करूँगा जो मेरे को करना है, ठीक है। वो कैसे करूँगा, देखो P इज इक्वल टू सी आर टी हो गया, क्या हो गया, P इज इक्वल टू सी आर टी हो गया। अगर मेरे को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो यहाँ पर P अपॉन के आर टी करना पड़ेगा। मतलब अगर किसी का आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है और गैसियस सब्सटेंस है तो उसके प्रेशर से, उसके R बोले तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इंटू के टेम्परेचर से डिवाइड करना पड़ेगा ना भाई। सेकेंड चीज 2a प्लस के 3b, 4c प्लस के 5d, रिएक्टेंट आपको ये दे रखे हैं, प्रोडक्ट आपको ये दे रखे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलता हूँ प्रेशर ऑफ ए तो आपको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू के आरटी, या फिर आगे क्या बोल सकते हो आप, यही तो बोल सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए अपॉन के आरटी, ठीक है। सिमिलरली आपका अगर आपको पीवी के लिए निकालना है तो सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आरटी, या फिर क्या बोलोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी अपॉन के आर टी। सिमिलरली इसी टाइप से आप सी और डी के लिए भी बोल सकते हो भाई, ठीक है। अब मेरे को इसका डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिखना आता है, तो कैसे लिख सकता हूँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस के वन अपॉन के टू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के वन अपॉन के थ्री डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस के वन अपॉन के फोर डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस के वन अपॉन के फाइव डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाई डी टी। ये इसका डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन ओवरऑल रेट ऑफ फ्रिक्शन हो गया है। लेकिन यहाँ पर ये किससे डील करा रहा है, हमारा किससे डील करा रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड टर्म से। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड टर्म है, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर से लिखा जाता है और टाइम आपका सेकंड से। तो इस सिमिलरली इसकी यूनिट भी क्या बन जाएगी, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी आपको, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये बन जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर इसका प्रेशर दिया गया है तब आप किस टाइप से इसको डील कर पाओगे, देखिए बड़े सिंपल तरीके से
इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन है, तो प्रेशर अपॉन के आर टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रेशर अपॉन के आर टी। तो मैं अगर गैसियस सब्सटेंस के लिए इसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखेंगे, माइनस के वन अपॉन के टू डी, उसके बाद प्रेशर ऑफ ए अपॉन के आर टी, ऐसे ही तो लिखेंगे। अपॉन के यहाँ पर क्या लिख देंगे? डी टी लिख दिया। उसी टाइप से आपका माइनस के वन अपॉन के थ्री डी प्रेशर ऑफ बी अपॉन के आर टी, यहाँ पर डी टी लिख दिया। उसके बाद प्लस के वन अपॉन के फोर डी प्रेशर ऑफ सी अपॉन के आर टी डिवाइड बाय डी टी। उसके बाद प्लस के वन अपॉन के फाइव डी प्रेशर ऑफ डी अपॉन के आर टी डिवाइड बाय डी टी। ठीक है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारा आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा सभी। ठीक है, हो जाएगा ना। तो हमारा यहाँ पर क्या आ चुका है, फाइनल जो रेट एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू गैसियस सब्सटेंस माइनस वन बाई टू डी प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस के वन अपॉन के थ्री डी प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस के वन बाई फोर डी प्रेशर ऑफ सी डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस के वन अपॉन के फाइव डी प्रेशर ऑफ डी डिवाइड बाय डी टी। ये हमारा प्रेशर के साथ टील हो गया और ये हमारे प्रेशर का एक रेट एक्सप्रेशन आया है कॉन्सेंट्रेशन की सगे। ठीक है, तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं, हम सिंपल यही बोल सकते हैं अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन से डील करना है, किससे डील करना है, कॉन्सेंट्रेशन से आपको डील करना है तो वहाँ पर आप मोल पर लीटर पर सेकेंड से क्या करोगे, उसकी यूनिट्स को कंपेयर करोगे। जबकि यहाँ पर आपका देखो प्रेशर किस में होता है, जनरली एटीएम में होता है। किस में होता है? एटीएम में। टाइम किसके अंदर होता है? सेकंड के अंदर। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? एटीएम पर सेकंड। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो देखो यहाँ पर इतना समझाने के बाद में अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर को अगर मैं कांस्टेंट करने जाऊं तो जाहिर सी बात है प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे हो जाएगा ये तो अभी हम सिखाएंगे आपको, खैर बट थोड़ा सा पेशेंट रखिए आप। हाँ, मेरे को पता है आइडियल गैस इक्वेशन पी बी इज इक्वल टू एन आर टी होती है नहीं होती है? पी बी इज इक्वल टू एन आर टी जहाँ पर प्रेशर को ऐसे लिखेंगे और एन बाई वी इंटू आर टी करेंगे। पी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? सी आर टी। क्या बन जाएगा? सी आर टी बन चुका है। ठीक है, अगर आपका अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया, आर तो ऑटोमेटिकली खुद कॉन्स्टेंट है, और आर कब आया होगा? जब यहाँ पे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम ऐसे कर सकते हैं कि प्रेशर आपका कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है, बिल्कुल है। तो इसी से आप ये समझें कि अगर मेरे को किसी भी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन पता है तो उसके हम प्रेशर से भी डील कर सकते हैं बिल्कुल। अगर मेरे को उसके कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है तो हम प्रेशर से डील कर सकते हैं। अगर उसका प्रेशर दिया गया तो कॉन्सेंट्रेशन से डील कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गैसियस सब्सटेंस के लिए। एक सिंपल चीज़ आप ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि मेरे को पता है अभी जब इस इक्वेशन से अगर मैं ए के लिए लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा बताओ? माइनस के डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय डी टी। कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो जाहिर सी बात है इसका हम क्या लिखेंगे? माइनस के डी प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय डी टी इंटू के क्या लिख देंगे? यहाँ पर आर टी लिख देंगे, क्योंकि आर टी इसके डिवाइड में चला जाएगा। वो कहाँ से चला जाएगा?
यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि ये प्रेशर अपॉन के आरटी, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ हम ये भी समझे, माइनस के डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ है डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस के डी कॉन्सेंट प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय डी टी इंटू के आर टी, ये हमने सीख लिया, यहाँ पे सीख लिया ना। तो अब हम अपने क्वेश्चन को एक सॉल्व करने जा रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से, देखो किस टाइप से हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है ए गिव्स टू ए प्लस के बी गिव्स टू सी और टाइम टी पर 0.4 एटम है, और क्वेश्चन को लिख ही देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है अपना कुछ इस टाइप से कि ए गैसीय सब्सटेंस है प्लस के बी आपका गैसीय सब्सटेंस है, ये कन्वर्ट हो रहा है टू सी एक गैसीय सब्सटेंस के अंदर। जब टाइम टी जीरो था तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 0.4 atm, इसका प्रेशर था 0.8 atm, और यहाँ पे और नीचे दिया गया है टाइम 5 मिनट पर ये फॉर्म हो गया 0.4 atm। टाइम जब तुम्हारा 5 मिनट था तो ये कितना बन गया यहाँ पर 0.4 atm बन चुका था, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आगे पूछा दिया गया है कैलकुलेट रेट ऑफ फ्रैक्शन इन मोल पर मिनट, कैलकुलेट यू हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ फ्रैक्शन इन मोल पर लीटर पर मिनट एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपसे बोला गया। तो देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, और इक्वेशन में जब टाइम जीरो था तब तुम्हारा यहाँ पर 0.4 atm क्या था, इनिशियल प्रेशर था ए का, 0.8 atm इनिशियल प्रेशर था किसका, बी का, ठीक है। उसके बाद 2c यहाँ पर कितना बना होगा, जीरो बना होगा, वो तो क्यों बना होगा, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो जीरो रहा होगा। टाइम 5 मिनट पर ये कुछ एक्स चला गया होगा, किसके अंदर से चला हो गया, 0.4 माइनस के एक्स, बिकॉज इतना था वो मेरे को पता नहीं है कितना है, इसमें से भी 0.8 माइनस के एक्स चला गया होगा, ठीक है। एक्स इसमें से गया और एक्स इसमें से गया, तो कितना एक्स चला गया यहाँ पर 2x, जैसे ही यहाँ पर 2x रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 atm आ गई ना। जैसे ही यहाँ पर 0.2 atm आया, यहाँ पर कितना अमाउंट बचा होगा, 0.2 atm बचा होगा, यहाँ पर 0.6 atm बचा होगा प्रेशर ऑफ बी का, आई बस ना। लेकिन अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या याद करना, रेट ऑफ रिएक्शन, गैसीय सब्सटेंस है तो रेट ऑफ रिएक्शन किस टाइप से लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के डी प्रेशर ऑफ एयर डिवाइड बाय डी टी, यही होता है ना, हाँ, इज इक्वल टू, देखो चेंज कितने का है, 0.4 0.2, तो बाद में कितना बन गया ये 0.2, तो माइनस के 0.2 माइनस के 0.4 ये अपन डिवाइड बाय 5, ये कितना आ चुका है यहाँ पर 0.2 डिवाइड बाय 5 बोले तो 0.04, इतना आके आ चुका है यहाँ पे, ये atm पर मिनट के अंदर क्या आ चुका है, प्रेशर रेट ऑफ फ्रिक्शन आ चुका है। लेकिन इसने किसके अंदर नहीं पूछा है, इसने पूछा है मोल पर लीटर पर मिनट के अंदर, ठीक है। एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस लाइन पे, मोल पर लीटर पर मिनट के अंदर क्या पूछा इसने, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन पूछा। तो जाहिर सी बात है आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आ चुका है, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर दोनों के साथ आप रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डील कर सकते हैं, तो डील करना आप जानते हैं वो कैसे, देखिए मेरे को पता है माइनस के डी प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय डी टी, ठीक है, इनटू के क्या होता है आर टी होता है, इज इक्वल टू माइनस के डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय डी टी, यही तो निकालूंगा मैं। सिंपल यहाँ पर रिलेशन ये आ चुका है
ये वैल्यू मेरे को पता है, कौन सी वाली, ये वाली, अगर ये वाली वैल्यू मेरे को पता है तो मेरे को ये वैल्यू कहाँ से मिली थी, ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ से, यही तो वैल्यू है ये 0.04 अपॉन के, आर की वैल्यू कितनी होती है 0.0821, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड बोले तो केल्विन के अंदर 300 केल्विन, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर डिवाइड बाय डीटी। तो इसे आप सॉल्व करने जाओगे तो ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 0.0017 मोल पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट के अंदर ये क्या आ चुका आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ चुका है, किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का, ठीक है, ये हमारे पास राइट आंसर है किसका, इस वाले क्वेश्चन का, कॉपी नाउ फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये हमारे पास कुछ टाइप के क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए हैं, सिंपल आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ मैं, क्या मैंने समझाया था स्टार्टिंग में, हमने अभी तक केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ROD ROA से डील किया था, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन देखा था। दूसरी बात, मैंने अगर आपको ROD और ROA एक सिंपल वन मोल के लिए डिफाइन होता है तो वहाँ पर आपका वो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर काउंट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर उसकी मोलरिटी है, उसके मोल्स हैं, तो वहाँ पर आप मोल पर लीटर पर सेकंड से डील करोगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अगर उसका प्रेशर दिया गया है तब आप इस रिलेशन को ध्यान रखोगे, बोलो किस रिलेशन को, इस रिलेशन को, ठीक है, कि हम जानते हैं यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ही बोलूँगा इस रिलेशन को, ठीक है, तो कॉपी नाउ फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं और डील करते हैं नए टर्म से जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और अपना लॉ ऑफ मास सेक्शन, कॉपी कीजिए।